Hi, this is Anushka Wani from Indie Journal, and today we have with us Mohammed Ehfaz. So could you tell us something about yourself? Where are you from? Actually, I am proper from Akola, Maharashtra, and right now studying in MIT World Peace University, Pune. I am right now in direct second year mechanical engineering. Okay. Mohammed here has a new invention that he has built by himself, and he's here to share a bit more about it. So let's hear it from him. What is it that we are looking here at? First of all, I would like to show this is my electric bike that we have prepared out from the parts obtained from scrap. And अगर मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो मोटर की वजह से चलती है विद बैटरीज एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ मोटर्स एंड बैटरीज. और इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको चार्ज करना है और फिर आपको चलाना है. सो एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट किया था 1 जून को. ओके. और 15 जून को ये कंप्लीट हो चुका था प्रोजेक्ट. पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इसको अगर एक बार चार्ज करते हैं तो इसको 4 आवर्स लगते हैं फॉर कंप्लीट चार्ज. एंड आफ्टर कंप्लीट चार्ज इट गिव्स माइलेज ऑफ 75 किलोमीटर. मतलब बहुत सारे बाइक्स हैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी, तो इस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है कंपैरेटिवली? एक्चुअली ये पूरी बाइक स्क्रैप से बनी हुई है. ओके. मोटर और बैटरीज को छोड़ के टोटली सब कुछ स्क्रैप से बना हुआ है. हमने जो मिला हमको मेटल उसी को लेके मोल्ड करके और वेल्ड करके कट करके डिज़ाइन देके तैयार किया है. सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ जस्ट अराउंड 15 to 16,000. मतलब इस मॉडल का टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड इसका अभी 30 किलोमीटर पर आवर है. 30 किलोमीटर पर आवर. आप जब ये बना रहे थे तो आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहली बात तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कंट्रोलर है. इसका सर्किट से अलग अलग और इसका कन्वर्टर है. ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कैसे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. अगर थोड़ा भी वोल्टेज का कम ज़्यादा हुआ या फिर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला या प्रॉपर करंट नहीं पास हुआ या ओवर पास हो गया तो ये तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आई मुझे. 2-3 बार अलग अलग सर्किट्स ब्लास्ट हो गए, उड़ गए, कंट्रोलर फूट गया वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से. फिर उसके बाद मैंने ये किया कि ये फ्लक्चुएशन ना आए. नहीं तो अगर चलो ठीक है, आज अगर मेरी गाड़ी प्रॉपर हो भी जाती तैयार और कल को अगर कोई वोल्टेज प्रॉब्लम आया तो वो मोटर के ऊपर अगर लोड आ गया तो गाड़ी जगह पे पूरी बंद हो जाएगी. मोटर ही वर्क नहीं करेंगी तो गाड़ी कैसे चलेगी. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें मैंने एक MCB सर्किट, इनकेस अगर कोई वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आता है तो वो सर्किट ऑटोमेटिकली पूरी गाड़ी को ऑफ कर देती है. okay. करंट का पास भी कट कर देती है, कट ऑफ. सो दैट्स व्हाई उसके बाद तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे. तो मतलब आप कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट को यू नो मैनेज करोगे? एक्चुअली माई फोकस इज ऐसा है कि what are the necessity of and needs of the people. So thank you Ehfaz for sharing your story with us. We have so many youngsters in this country who have so many dreams. You are an inspiration to them. Thank you so much. Thank you so much.